भोजपुर में बिहार सरकार की जमीन को लेकर मुखिया संजावती देवी पर गांव के दबंग लोगों ने पिटाई कर दिया। पिटाई के बाद मुखिया संजावती देवी ने जगदीशपुर थाना में दबंग नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया है कि छोटका हरदिया गांव में बिहार सरकार का 37 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद बढ़ा है। बिहार सरकार के जमीन को लेकर जगदीशपुर सीओ के पास मुखिया संजावती देवी ने नापी कराने तथा अतिक्रमण हटाने को लेकर आवेदन दिया था। मौके पर पहुंचे कर्मचारी तथा अमीन ने नापी कराया। आपको बताते चले कि 31 जनवरी को नापी कराया गया था। 21 मई 2023 को हल्का कर्मचारी ने अतिक्रमण किए हुए सभी लोगों से अपना कब्जा हटाने को कहा है। 22 मई 2023 को बिहार सरकार के जमीन पर कब्जा किए हुए संजय यादव पिता लखन यादव ने मुखिया संजावती देवी के घर आकर कहा कि बिहार सरकार की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर आपने आवेदन क्यों दिया और इसके लिए गांव में बैठक क्यों नहीं कराया। इस बात पर मुखिया संजावती देवी ने संजय यादव के साथ आए सभी लोगों से कहा कि मामला बिहार सरकार से जुड़ा है और अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार का आदेश है न कि मेरा, और इस मामले में बैठक नहीं कराया जा सकता क्योंकि मामला बिहार सरकार से जुड़ा है न कि पंचायत स्तर से। महिला मुखिया ने आरोप लगाई कि इसी बात को लेकर दबंग संजय यादव ने मुखिया संजावती देवी पर पिस्टल निकाल लिया और मारपीट करने लगे। मुखिया संजावती देवी ने संजय यादव के विरुद्ध जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाई है कि मारपीट के साथ मेरे गले में सोने का चैन भी छीन कर ले चले गए। गाय के प्रधान हो के हम कोई कलंक लगा दे, हम हमारे गाय के चैन छीन ले लो, 10 ग्राम के चैन रहे। कब के घटना है? घटना कब के है? 6:30 बजे के घटना हो। कौन दिन भाई? ओ भाई लो 22 तारीख के घटना हो गए। वो समय में हम उनका समय काकल बड़ा दरोगा मेरी फोन कर ले बनी तब पर भी नहीं कौन पे सुनवाई कोई ले हमारे बारे में के वाइल नहीं कभी क्यों नहीं क्या अभी तक हमारा दरवाजा पे आए काहे काहे नहीं क्या हमारा दरवाजा पे कोई आवाज मने इज अंडर बाकी दोबारा फिर यार हां पहले बड़ा तो हम की देले बारे कि गोली मार दे केस करबे तो ऐसे कैसे मुखिया बनल बड़े बहरहाल इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी मुखिया की पिटाई को लेकर काफी आक्रोशित हैं तथा सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विधायक के पहल पर अभी तक मुखिया के पास जांच के लिए पुलिस नहीं पहुंची है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब पंचायत में मुखिया सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा। घटना के बाद अभी तक संबंधित थाना भी संज्ञान नहीं दिया है, न ही घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंची है, जिसको लेकर ग्रामीणों के अलावा मुखिया संजावती देवी भी काफी दहशत में है। हमारे मुखिया जी के आकर सीधे हमारे घर में ढुक कर गाली गलौज और देते हुए मारने लगा। मारने के बाद पिस्टल दिखा दिया, पिस्टल गर्दन पर अथी करके बोले कि मार के उड़ा देंगे आपको। एक घर कुम्हार हैं और आप ही हमारा सोना के चैन इनको घींच लिया। घींचने पर कहना कि हम देख लेंगे, हम हमारे विधायक हैं, स्थानीय हैं विधायक है रामविश्व लोहिया, हम लोग वहाँ पैर भी हमारा काफ़ी है। हम बहुत दबंगी से हमेशा बराबर दबंगी कर रहा है ये। इस बाबत जब आकर प्रहरी टीम घटना स्थल पर पहुंची तो ग्रामीणों का भी आरोप मुखिया संजावती देवी तथा उनके पति पर सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। आरोपित संजय यादव से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत में चल रहे योजनाओं के विषय में जानकारी तथा 37 डिसमिल सरकारी जमीन दखल को लेकर विवाद बढ़ा है। मुखिया के साथ कोई मारपीट नहीं हुआ और न ही उनके दरवाजे पर मैं गया था। महिला मुखिया द्वारा मारपीट का आरोप बेबुनियाद है। आरोप लगा है कि आपने मुखिया के ऊपर में हाथ छोड़ा है, पिस्टल निकाला है और सोने का चैन भी छीन करके लेकर चले गए। जी सर, क्या मामला है? ये सब गलत है, फंसाया जा रहा है सर। हम तो बोल रहे हैं कि उसका विकास में हम लोग बाधा डाल रहे हैं कि नहीं, आप नली का काम सही नहीं करते हैं, रोड का सब काम सही नहीं करते हैं, इंदिरा आवास में लूट का एकदम गर्दा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोलता है, 3 बार बोला है कि आप विरोध कीजिएगा तो फंसाएंगे, ऐसा नहीं तो सीख जाइएगा आप, लास्ट में फंसाइए दिया। प्राथमिकी दर्ज किया गया है जिसमें सारा आरोप लगा है, अभी लगा है कि विधायक आपके पक्षधर है? नहीं सर, कहाँ पर भी किया है, मेरा विधायक घर का है, वो तो सबका लिए है, वो तो प्रतिनिधि है पूरा अपना जगदीशपुर क्षेत्र का, कहाँ पर भी किया है जाकर पूछिए तो विधायक से तो हमारा टचे नहीं है, उन्हीं के साथ कुछ
अहिर समाज का है, वही सब ललकारा है आदमी का। अच्छा क्या मामला क्या था आखिर में, क्यों आपके ऊपर आरोप लगा? मामला वही है कि एक रोड निकाल रहा है और वो सरकारी जमीन है, अभी 8 कट्ठा बिहार सरकार जमीन है, 8 कट्ठा में वही पूरा जमीन कब्जा किया है, चल के देखा जाए। रोड पर एक नीम का पेड़ था, हम प्रेम से बोल रहे हैं कि देखिए मुखिया जी कम से कम नीमिया बच जाए, बगल से हम जमीन अपना भी दे देंगे। तो बोली है कि तू बार बार ऑब्जेक्शन लगाता है, कहीं लूटने में नहीं देता है, अब की बार सिखा के दूंगा। अपने दोनों लड़कों को बुलाए के लाओ से पिस्टल पे, पिस्टल लाओ तो अभी मुखिया की चिंता नहीं है कितना पावर है मुखिया का, अब की बार मुखिया का पावर दिखा दूंगा। किसने पिस्टल निकालने के बाद कहा? मन्नू और सोनू। ये तो आपके ऊपर में आरोप लगाया गया कि आप पिस्टल के बल पर जाकर गहना भी छीन लिए हैं। नहीं सर, कहाँ छीने है, वो तो जगह बताइए, उनके घर पे जाकर तो, के आपने दबंगई किया, गवाह लाइए, ऐसा हो सकता है? वहाँ पे कई लोगों ने ये बात को बताया है कि आप आए थे पिस्टल निकाले और उसका गहना भी छीन लिए। नहीं नहीं, ये सब गलत है, जाँच कीजिए अच्छा से। इसी पंचायत के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि महिला मुखिया तथा उनके पति द्वारा पंचायत विकास की बातें नहीं किया जाता बल्कि लूट खसूट किया जाता है, चाहे मामला इंदिरा आवास का हो या मरणोपरांत कबीर अंत्येष्टि में गरीबों को दी जाने वाली 3,000 रुपया का हो। क्या हुआ था उस दिन? संजय जी पर आरोप लगाया कि इन्होंने पिस्टल निकाल करके गहना भी छीन लिया है। उस दिन हम घटना के दौरान यहाँ थे नहीं, लेकिन हम लोग आए यहाँ पे जांच पड़ताल किए तो उससे ये पता चला कि यहाँ पे बिहार सरकार का जमीन है, उसमें वो रोड बनवाना चाहते हैं। तो उसी रोड को लेकर कुछ मतलब हल्का फुल्का सा हुआ कि तू हमरा से काहे ना पूछल, तो वो बोले कि तू के है, पहले इनका जो है झड़प कर ले ले। मारपीट नहीं हुआ है, हल्का सा बातापाती हुआ है, मुखियाइन जाके केस कर दी है, FIR कर दी है। मुखियाइन का ही पहला केस नहीं है, मुखियाइन ऐसा 2-3 आदमी पे कर चुकी है, जो कि 20 दिन पहले अभी सुरेंद्र यादव पे केस की थी कि मेरा बलात्कार करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ गांव है, समाज है, बड़े लोग है, बुजुर्ग लोग है, कोई ऐसा काम करेगा बलात्कार का? इनका यही धंधा रह गया है। आज से 1 साल पहले वार्ड नंबर 5 में मुसहर कास्ट का वार्ड सदस्य जीता हुआ था, उस वार्ड में एक मुसहर जाति से लड़का डेथ कर गया था, तो उसको मुखिया जी अपने घर पे बुलाए कि कबीर अंत्येष्टि के दौरान हम तुमको 3,000 रुपया दे रहे हैं, और उसके बाद मुखिया जी उससे कार्यकारिणी पर हस्ताक्षर करवा लिए। उस समय भी इनका जालसाजी पूरा हरदिया पंचायत, पूरा जगदीशपुर प्रखंड, बहुत सारा पब्लिक न्यूज़ पे चला गया। इनका जालसाजी एक काम हो गया है कि लोग को कैसे हम नीचा गिरा के दिखा दे। आम आदमी हम वोट दिए तो हम उनसे पूछने का अधिकार नहीं है हमको, तो कौन है बोलने वाले हमसे कि तुम कौन है? मेरा बस यही कहना है कि ये जालसाज मुखिया है, ये जितना भी कार्य आज के डेट में कर रहे हैं ये सब जालसाजी के दौरान हो रहा है। इसका आवेदन हम BDO साहब, SDO साहब, SDM मैडम जो अभी है उनको दे चुके हैं, हम ब्लॉक में BDO सर को दे चुके हैं, DM सर को दे चुके हैं, हम सबको आवेदन दे चुके हैं, और सब जगह ये जाते हैं, इनको क्लास लगाया जाता है, फिर भी इनका यही रवैया रहता है। क्या नाम? मेरा नाम आशीष नारायण गौतम, हरदिया पंचायत, वार्ड नंबर 5 सचिव। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।